हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। कविता कत्याल, हाँ जी कविता कत्याल, इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस कि सक्सेसफुल रहते हैं और कैसे ठीक रहे हैं, बताइए। मैं कविता कत्याल, वैसे मैं LBTI NGO से हूँ, दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा, लेकिन मेरा किडनी ट्रांसप्लांट मेरा 2016 में हुआ था। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा किडनी का होता है, ज़्यादातर पेन किलर्स और ये एंटीबॉडी खाने से मेरा फेलियर हुआ था। मेरा साइलेंट हाई BP था। दर्शकों, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पेन किलर्स ज़्यादा नहीं खानी चाहिए जिससे किडनीज खराब हो जाती हैं। तो मेरे डायलिसिस चले 2.5 साल, लेकिन डायलिसिस इज वेरी टफ, जिसमें मैं बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पा रही थी। फिर मेरी मॉम ने मुझे किडनी दी अपनी, और मैंने गंगाराम से, मैंने डॉक्टर मनीष मलिक है मेरे, बहुत अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं, तो मेरा उन्हीं से, उन्होंने मेरा पहले डायलिसिस भी मेरा उन्हीं के थ्रू ही हो रहा था, और मेरा ट्रांसप्लांट भी उन्होंने ही मेरे को सजेस्ट किया कि आप ट्रांसप्लांट कराइए। तो फिर मेरी मॉम ने मुझे किडनी दी, और जो मेरा गंगाराम में हुआ, मेरे डॉक्टर बहुत बढ़िया डॉक्टर है, डॉक्टर मनीष मलिक गंगाराम के, नेफ्रोलॉजी के। आपके मम्मी भी ठीक है और आप भी हेल्दी अब लाइफ जी रहे हैं। मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है और आज भी बहुत अच्छा सा सर्वाइव कर रही हैं, और मैं भी टचवुड मेडिसिंस के थ्रू और मेरे डॉक्टर के थ्रू मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ इस टाइम। थोड़ा बहुत तो देखो मेडिसिन चलता रहता है, लेकिन ठीक है कि एक लाइफ जो डायलिसिस वाली लाइफ है वो बहुत टफ लाइफ, छुटकारा मिल गया, उससे मुझे छुटकारा मिल गया, बस यही है, बस ठीक है। थैंकफुल होंगे अपनी मम्मी के लिए जिन्होंने सैक्रिफाइस किया। मम्मी की बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे ये दूसरी जिंदगी दी। एक जन्म जो पहले दिया, दूसरा जन्म अपनी किडनी देके दिया मम्मा ने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मम्मी की अपनी बहुत थैंकफुल हूँ, उन्होंने मेरी नई मेरी जिंदगी का वो, थैंक यू, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको मेरे चैनल से जुड़ने का। भगवान आपको लंबी आयु दे, आपकी मम्मी को भी। थैंक यू।